गाइस आपको एक और बढ़िया चीज दिखाते हैं। देखिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस हम आ चुके हैं एक नई जगह, आज नई वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, पीछे देख सकते हो नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम है इधर। तो अभी अंदर जाएंगे हम, ऑटो से निकले हैं, तो अंदर चल के दिखाते हैं आपको म्यूजियम कैसा है। बहुत ही मस्त है, मतलब यहाँ पे भारत का सारा जो दृश्य होता वो सब यहाँ पे दिखाया गया, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। गांव दिखाए गए हैं यहाँ पे, पुराने जो ऐसे पहले लोग जीते थे आदिवासियों के समान म्यूजियम यहाँ पे सब है, तो आपको दिखाएंगे। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड बोन टू विन ब्लॉग हैशटैग को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब जगह। तो चलते अंदर जल्दी से, दिखाते हैं आपको वहाँ का दृश्य गाँव का। तो गाइस ये देखिए नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं, और स्टार्टिंग में आपको भी ऐसा लगेगा अंदर एंट्री होते ही। और वहाँ पर देखिए फॉरेनर लोग खड़े हैं, काफ़ी दूर से लोग इसे देखने आते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बीचों बीच, एंड इसे संग्रहालय बोलते हैं। देखिए लोटस शॉप है यहाँ, आप यहाँ से परचेज करते हो सामान। और स्टार्टिंग में आपको ये दिखेगा पत्थरों से सजावट, और स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट मिलेगा, और एंट्री यहाँ की आपको बताएंगे, नियर मेट्रो स्टेशन भी बताएंगे। तो ये देख सकते हो आप स्टार्टिंग में चित्र INR, ये तमिलनाडु का है जो यहाँ पर आपको ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये तमिलनाडु का है, यहाँ पे लिखा नो एंट्री। यहाँ से देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ पर मोदी जी का चित्र है। एंड आगे चलते हैं, ये मैनुअल गाइड है दोस्तों, मैनुअल गाइड, आपको काफ़ी अच्छा अच्छा लगेगा यहाँ पे, सारे मतलब गांव जैसा दृश्य है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको, काफ़ी बढ़िया वाइब आ रही है यहाँ पे एकदम। ये देखिए एकदम आपको यहाँ पर विलेज जैसा लगेगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। एंड देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक पुराना रथ दिखेगा, और देखने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, एकदम वाइब आ रही है गांव वाली। ये देखिए बैलगाड़ी फॉर राजस्थान, मतलब राजस्थान में ऐसी बैलगाड़ियाँ चलती थी पहले। एंड ये दिखाते हैं पीछे, ये वाला सिस्टम तो गाइस अभी भी है गाँव में। ये देखिए बैल से जो मतलब तेल निकाला जाता है, ये अभी भी है, बट ये भी यहाँ दिखाने के लिए लगा दिया गया है दिल्ली में, और ये काफ़ी अच्छी बात है दिल्ली में। यहाँ पे ये देखिए राजस्थान, ये वहाँ के चित्र हैं अंदर। ये देखिए थोड़ा सा पास जाकर दिखा देते हैं, ये देखिए अंदर से ऐसे चित्र हैं दीवारों पर, मतलब गाय यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए एक और रथ है, ये भी काफ़ी ओल्ड टाइप का लग रहा है, और यहाँ पर पानी पीने का भी अच्छा साधन है, तो यहाँ पर ठंडा पानी पी सकते हो आप। और ये देखिए यहाँ पे भी आपको बैल के रथ दिखाई देंगे, बैलगाड़ियाँ, ये सारी इधर ज्योति बैलगाड़ियाँ खड़ी हैं, ये रियल है एकदम, और ये हाथ से बनाया हुआ है जो भी ये आपको घर दिखाई देंगे पुराने टाइप के, अभी भी भारत में है ऐसे गांव, इसलिए दिल्ली में दिखाया गया है ये। उड़ीसा, ये उड़ीसा में ऐसे लोग रहते हैं, बिल्कुल बढ़िया से दर्शाया गया है। ये देखिए मटका रखा है यहाँ पे, अंदर जाना काम नहीं है तो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं पूरा। तो गाय ऐसा लग रहा है दिल्ली में हम गांव में आ चुके हैं, बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। ये देखिए तो नागालैंड का घर ऐसा दिखता है नागालैंड का। और बोर्ड पर है, बोर्ड पर आप पढ़ सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर एक भगवान की चित्र मूर्ति है पश्चिम बंगाल की, और यहाँ पर लिखा है आप CCTV के कैमरे के अंडर में हो तो कृपया करके संभल कर रहे हैं। ये देखिए
पूरा दृश्य ओल्ड टाइप जैसा वाइट है। तो दोस्त देख सकते हो यहाँ पर लोग भी आए घूमने। और ये देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, नहीं ये देखिए पीछे आपको एक घर दिख रहा, ये पहाड़ के ऊपर घर है, ये से बने रहते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश का कुल्लू हाट, तो देख सकते हैं लिखा है बोर्ड पर। और ये कुल्लू हाट, कुल्लू हाट हिमाचल प्रदेश, ऐसे घर में रहते हैं लोग जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल से ही बना रखा है, तो ऐसा लग रहा है हिमाचल प्रदेश से ही ला के यहाँ पर रख दिया गया है। एक अभी आपको दिखाएंगे, आधा एक्सप्लोर कर लिया, म्यूजियम भी है यहाँ पर, वो भी दिखाएंगे। और गाइस एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो टिकट है वो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड नियर मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से आप 20 रुपये देंगे ऑटो से आ सकते हो। एंड इसकी टाइमिंग 10:00 से शाम के 6 बजे तक की लास्ट। अब आगे चलते हैं, को जम्मू कश्मीर का भी हाउस दिखाते हैं आपको। ये देखिए पीछे जम्मू कश्मीर लिखा है। एंड ये देखिए जम्मू कश्मीर के ऐसे बक्से रहते थे, इसमें चावल वावल रखते थे जैसे, तो ऐसे दिखाया गया है, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना दिया गया है। ये मटका है, उसमें अनाज वनाज जो भी रखते होंगे, चावल वावल, वो सब दिखाया गया है आपको यहाँ पर। गाय देखिए दीवार पर चित्र बना हुआ है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग लग रही है ये भी। तो आपको ये दिखाई दे रहा कुआ, मैं आपको पास से जाके दिखा देता हूँ, एकदम बेहतरीन चीज़ लग रही है ये मुझे। वैसे अभी भी है फिलहाल गांव में, पर ये लिप्त हो गए हैं कुआ, ये देखिए देखता हूँ गहरा है क्या या नहीं। तो गाय ये बिल्कुल गहरा नहीं है, बस ऐसे ही डुप्लीकेट बना दिया गया है। और ये कुआ फिलहाल बंद हो चुका है, लेकिन भारत के गांव में अभी भी बहुत सी जगह है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, काफ़ी शांति सुकून है। एंड गाइस आप भी आ सकते हो यहाँ पर, विज़िट कर सकते हो। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, निकोबार कुटीर, ये देखिए निकोबार कुटीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, देखिए बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दर्शाया गया है, नीचे से भी दिखा देता हूँ। एंड ये देखिए आगे नहीं है कुछ, म्यूजियम में चलते हैं आगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो सब जगह, काफ़ी मस्त मस्त व्लॉग लाता रहूँगा मैं ऐसे ही। गाइस आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखाते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा इनका शो। ये जगह आ चुका है, यहाँ पे आपको सामान भी मिलते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे भारत की सारी संस्कृति की चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे आप परचेस भी कर सकते हो यहाँ पर आकर, ये बढ़िया बढ़िया है माला। एंड इधर भी देख सकते हो आप, ये सब परचेस कर सकते हो आप यहाँ पर आकर, बहुत जगह मिलेगी आपको बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के। ये देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ पे यूनिक यूनिक स्टाइल के चित्र मिलेंगे आपको। इधर देखिए आपको बढ़िया चीज़ मिलेगी इधर, और आगे चल के डांस शो भी होता है। तो दोस्तों देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का व्यू, एंड काफ़ी मस्त लग रहा है। विलेज कॉम्प्लेक्स है इधर की साइड, एंड इधर की साइड आपको पुस्तक लाइब्रेरी मिल जाएगी सारी की सारी। तो
ये देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो यहाँ पे लिखा है, बढ़िया लग रहा है। तो देख लो पुस्तक लाइब्रेरी अभी शायद फिलहाल के लिए क्लोज है। और दोस्तों देखिए आ चुके हैं, वेलकम टू म्यूजियम गैलरी, इसके अंदर चलते हैं, आपको विजिट करते हैं, चलते हैं अंदर। तो अंदर बैग अंदर ना ले जाए, बैग नहीं अंदर। फॉल्क ट्रिबल गैलरी, तो अंदर चलते हैं। वेलकम टू फॉल्क ट्रिबल आर्ट एंड तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मूर्तियाँ काफ़ी डरावनी डरावनी रखी है। वैसे तो वुडन इमेज और काटाकाली ये चित्र हैं, एक से डिजाइन वाले जो पहले के टाइम पे होते थे, मूर्ति पहले के लोग कैसे होते थे। एंड देखिए जानवर बैल गाय सब दिखाई देगा आपको, किन्हाल की गुड़िया। ये देखिए गोबर एवं मिट्टी की आकृतियाँ, मतलब ये गोबर एंड मिट्टिया से मिलकर बनाए गए हैं आर्किटेक्चर, काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं देखने में। तो ये दोस्तों ये देखिए बक्से हैं, पैसे वैसे रखता हूँ मैं इसमें पहले के मालदार लोग। ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये देखिए कागज़ की लुगड़ी, इसे कागज़ की लुगड़ी बोलते थे। ये दिखाने का है, ये देखिए मुकुट देख सकते हो आप, बस यहाँ पे आपको एक मनी हेस्ट की मुकुट जो है वो मिसिंग रहेगा, बट क्योंकि वो तो अभी के टाइम का है, बहुत ही पुराने टाइम का है। मास्क हैं, खुटे मास्क बहुत ही पुराने पुराने हैं, देख लो बहुत ही हॉरिबल है। यशोदा कृष्ण बलराम की मूर्ति आप यहाँ देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, बड़ा है म्यूजियम, बेहतरीन है, आपको देखने में मज़ा आएगा। और ये पहले के जैसे गांव में रोक रहते थे ना, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिखाया गए हैं। ये देखिए पहले के लोग ऐसे रहते थे, ये बाज़ार टाइप लगता था पहले, जैसे बाजार बाजार होते थे, आपको ये सब दिखाई देगा। तो आप बढ़िया लग रहा है आपको देखने में, इसी तरह काफ़ी बेहतरीन है। देखिए ये देखिए यहाँ लिखा बाबू जी का फड़, तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा साफ साफ देख सकते हो, देख कर सकते हो बाबू जी का पार्ट। ये देखिए हाथ से बनाए गई नकाश के, और ये चित्र देखिए आपको कितने पुराने पुराने यहाँ पर देखिए, ये मूर्तियाँ दिख जाएंगे आपको यहाँ पर। ये जो ऐसे आदिवासी लोग होते थे ना पहले के, तो ये है नागा कला जिन्होंने सबको खोजने में मदद करी थी। एंड ये देखिए पहले की चीज़ें मुख्य की टोपियाँ आदिवासियों की, ये देखिए इनके सीम विंग होते थे हड्डियों के बने हुए, नागालैंड के आभूषण, तो गाय देखिए नागालैंड के आभूषण। ये आपको साफ साफ दिखाई देगी नाग कला, ये शायद मसाले जलाने के लिए काम आता है, काफ़ी बड़ा है म्यूजियम, काफ़ी अच्छा लगा आपको। आगे चलते हैं, देखिए साफ ऊपर मिलती, ये देखिए क्या चीज़ है, दिखाते हैं आपको ऊपर क्या लिखा है, दूरी बनाए रखा, कृपया प्रदेश किला करके को ना छो, तो डोंट टच एनी थिंग डोकरा प्लस। देखिए इतने लंबे लंबे होते थे क्या पहले आदिवानम के लोग, यहाँ पे तो ऐसे दिखाया गया पतले पतले से। ये देखिए पहले के जानवर आपको दिखाता हूँ मैं, जानवर ये शायद मछली है वो, ये सब मछलियाँ हैं, एलिगेटर हैं, सिंह बारहसिंगा भेड़ घोड़े, ये भी अजीब चीज़ें हैं जो पहले होकर विलुप्त हो चुकी हैं। टेक्सटाइल गैलरी,
चरखा है, इनके अंदर चलते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए दालचीनी, पता नहीं जड़ी बूटियाँ हैं शायद, नेचुरल डाई, मिर्च मसाले हैं जो भी हो। और देखिए गांधी जी का भी कुछ दर्शाया गया है, ताना का सुलझाना, ताना बनाना, करगे के लिए धागा तैयार करना, हर चीज़ के लिए धागा जैसे बनता था। ये गांधी जी का लगा हुआ स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर देख सकते हो, डोंट नॉट टच, नहीं छुआ, गांधी जी का है क्या चरखा इतना बड़ा। बट यहाँ पे लाइट कम है, ऑटोमेटिक जला दी गई लाइट। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी अच्छी नक्काशी करी गई है, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं आप देखने के लिए। ये देखिए ऑडियो क्लिप भी है, तो आप यहाँ पर ऑडियो क्लिप भी सुन सकते हैं। ये देखिए शायद ये ऐसा लग रहा है मुझे, जीसस, जीसस के बेटे हैं क्या, लिखा नहीं है यहाँ पर कुछ भी, बस ऐसे ही फ्रेम में सेट कर दिया गया है ऐसे। और यहाँ पे पुराना दरवाज़ा, काफ़ी पुराना दरवाज़ा, तो ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है गाइस, बहुत सी चीज़ें रह गई होंगी देखने के लिए, लेकिन आप यहीं आइए, यहाँ पे विजिट करिए देखने के लिए, काफ़ी बढ़िया लगेगा आकर। ये देखिए टोपियाँ यहाँ पर, एंड ये डिस्प्ले है, देखिए मैं टच करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने टच करा, अभी आ गया हार्डवेयर, वेयर कलेक्शन, देखिए टोपियों का आपको कलेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा ऐसे। यहाँ से पे राइट करूँगा तो अगली टोपी आ जाएगी, फिर राइट अगली टोपी, तो यहाँ से बेक कर देते हैं हम, ये फिर आगे। ये एक डिस्प्ले बढ़िया, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। तो छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखिए लाइट हमारे लिए ऑटोमेटिक चल रही है, चीज़ें दिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं गाइस, बहुत चीज़ें हैं यहाँ भारत की, आपने कल्पना नहीं करी होगी क्या आपको क्या क्या दिखाई देगा यहाँ पर। तो आप आइए अपनी आंखों से देखिए, वीडियो में इतना मज़ा ना आए लेकिन आपको रियल आंखों पे काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो गाइस म्यूज़ियम के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, और म्यूज़ियम से निकलते ही और दृश्य हमें दिखा है, काफ़ी पुराना दृश्य है देखिए। यहाँ इसके ऊपर लोग चढ़ते कैसे होंगे, यहाँ पर सीढ़ी वीढ़ी कुछ दे नहीं रखी और कुछ लिखा भी नहीं कहाँ का है क्या चीज़ है, छोड़ो। लेकिन ये शायद राजस्थान की लग रहा है, और ये था कि ऐसा लग रहा है दिल्ली में हम है ही नहीं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही वाइब बाहर की आ रही है एकदम, ऐसा लग रहा है हम बाहर आ चुके हैं, दिल्ली में है ही नहीं। ये देखिए चरखा वरखा है मट्टी के, जिसमें मकड़ी के जाले लग चुके हैं, एंड ये देखिए बिल्कुल लकड़ी का है शायद, भाई लकड़ी से बनाया गया है बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन करके। डिस्प्ले दिखेगी आपको, आपको क्लिप पे चला के दिखाता है। स्टॉप कर लेते हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं, चलते हैं आगे। एक दे देता हूँ कितना बड़ा सर है इसका, ये कोई भी भगवान था उसको मानते थे, पर अब नहीं ये सब कुछ। ये देखिए और चित्र दिखाते हैं आपको, तो आगे चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, दूसरी टेलर में लेके चलते हैं। रथ देखा था कितना बड़ा, ये टायर मेरे से दूर से जा रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे देख सकते हो आपका कितना हाल है, काफ़ी भारी मेटल का है। दोस्तों एक और जगह आ चुका हूँ जैसे आपको, यहाँ पे डेली होता है। ये देखिए रथ, अब आए हैं हम बढ़िया जगह, अच्छी जगह, ये है रथ, कितना बड़ा रथ है आपके पास से दिखाते हैं, लकड़ी का रथ महाराष्ट्र। ये
हिसाब से देख सकते हो लकड़ेगा रथ महाराष्ट्र और कितने बड़े इसके टायर हैं। अब एक और जगह ले सकते हैं क्लिक ऑब्जेक्ट गैलरी, यहाँ पर और भी बढ़िया बढ़िया ये येलो लाइन है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे तरह दिखाए गए हैं, काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जैसा कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ही पुरानी पुरानी 1600 ED 1500 ED 1400 ED। ये देखिए ये भी एक रथ है, पहले ये आपने देखा होगा गाइस, ये चाइना में दिखाते हैं ये रथ, जैसे शादियों में डोली वोली में रानी को बिठा के ले जाते हैं, ये ऐसा है। ये भारत में भी था ऐसा, ये पहले की संस्कृति है, तो आप देख सकते हो भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें भी थी जो आपको नहीं पता, वो यहीं आकर आपको पता लगेगी। एंड ये देखिए कितना बड़ा मटका बोलते हैं ऐसे, देखिए ऐसी यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो चित्र है। एंड ये देख सकते हो ये कुछ 3D ऑब्जेक्ट के लिए था, फिलहाल अभी से बंद कर रखा है समझाने के लिए। काफ़ी अच्छी अच्छी कला मूर्तियाँ हैं यहाँ पर भगवान की, देखिए हनुमान भगवान की है शायद, ये देखा वानर देवता हनुमान 19वीं शताब्दी, कितने पुराने पुराने स्ट्रक्चर हैं भगवान है। तो गाइस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा म्यूजियम नेशनल ग्राफ म्यूजियम, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोनों दोनों व्लॉग एंड है। एंड आपको बढ़िया लगा वीडियो तो दिखाया मैंने, तो व्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग का।